हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा खाकरा। और फ्रेंड्स, जो खाकरा है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा खस्ता बनता है। चलिए देखते हैं खाकरा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और मसालों में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, अजवाइन और जीरा, 1/4 छोटी चम्मच बेसन और 2 बड़े चम्मच मैंने तेल के लिए हैं। सबसे पहले हम खाकरा के लिए डो तैयार कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा लेंगे, आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन लेंगे और इसको हाथों से हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर तेल डाल देते हैं और इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए ऐसे बाइंड कर, देखिए हमारा आटा बाइंड हो रहा है। इससे हमारे जो खाकरा बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। अभी हम इसके अंदर नॉर्मल पानी डालेंगे, धीरे धीरे करके डालिएगा। और फ्रेंड्स, हमें इसका डो जैसे हम पराठे के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त रहेगा हमारा ये डो, और जैसे हम पूरी का तैयार करते हैं उससे सॉफ्ट रहेगा हमारा डो। अभी आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए मसल लीजिए आटे को। अभी हम इसको रेस्ट पर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मसलेंगे कि हमारा जो एकदम चिकना हो जाए, जब हम खाकरा बनाएं तो उसमें क्रैक्स ना आए। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अभी हम एक नींबू के साइज की लोई लेंगे। अभी हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। और आपको लगे ये चिपकने लगा है तो सूखा आटा आप दोबारा से ले लीजिए। इसको आपको बिल्कुल पतला बेलना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे भी पतला बेलेगा हमारा ये। और आपको इसको चारों तरफ से इक्वल बेलना है। मैंने इसको बेल लिया है और अभी आपको बिल्कुल राउंड शेप चाहिए तो एक ढक्कन लीजिए और इसको आप इससे रखकर काट लीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने तवे को बिल्कुल हल्का गर्म कर लिया और फ्लेम को आपको लो रखना है। अभी आप देखिए इसके ऊपर बबल आ गया है तो हम इसको पलट लेते हैं। अभी आप देखिए इधर भी थोड़े से बबल आ गए हैं तो आप इसको ऐसे कपड़े से दबा दबा कर सेक लीजिए, घुमा घुमा कर। आप इसको ऐसे घुमा घुमा कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए आप दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है। और एकदम अभी हम इसे सेम आप सारे खाकरे ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे ही सब खाकरे हम तैयार कर लेंगे। अभी अब इस पर देखिए हल्के बबल आ गए हैं, पलट लेते हैं हम इसको। तो फ्रेंड्स, हमें एक खाकरा को सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेकना है। देखिए अब हमारा दूसरा खाकरा भी तैयार हो गया है। अभी हम इसको उतार लेते हैं। आप देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं हमारे खाकरा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सारे खाकरा तैयार हैं और एकदम आप देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं।
और सिर्फ फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें सेकना है गोल्डन कलर आने तक। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें 10 से 12 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं इनको लेके जा सकते हैं। आप इसे सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस खाकरे की रेसिपी को मेरी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय।